Hello students, welcome back to our online class. Today we are going to start a new poem. Its title is What Became of Them? What Became of Them? This poem is related to two rats. One a male rat and another a female rat. Ek male rat bhi aur ek female rat bhi. Okay. What became of them? What it means? What happened to them? Okay, I am going to explain these two stanzas. Okay, let's start. Okay, he was a rat and she was a rat, and down in a hole they did dwell, and both were as black as witch's cat, and they loved one another well. He had a tail and she had a tail, both long and curling and fine. And each said, yours is the finest tail in the world, excepting mine. Okay? देखो, एक male cat और एक female cat. Both them lived in a hole. Okay? Hole में, एक hole. Hole means आप देखा होगा ना, मिट्टी के अंदर बहुत बड़े खड्डा खोद के चूहा वगैरह उसके अंदर रहता है. Okay, dwell means here, lived, रहना. उधर जो hole के अंदर, उस खड्डे के अंदर वो दोनों रहते थे. दोनों का कलर ब्लैक था, है ना. As a witch cat, witch means hair, magician's cat, सुना है ना, चुड़ैल की बिल्ली सुना है ना, वो हमेशा ब्लैक होती है. इनका, इन दोनों का कलर भी ब्लैक कलर का था, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, है ना. बहुत देमा लाउड वन अनदर. ओके, देखो, ही हैड अ टेल एंड शी हैड अ टेल. दोनों को टेल था. देखो, चूहा को ऑलरेडी, चूहा कैट, रैट कैट, इन सबको लॉन्ग टेल होता है. ओके, कैसे टेल था इनका? बहुत लॉन्ग एंड कर्ली एंड फाइन. देखो, दोनों का बहुत लंबे, कर्ली, कर्ली मीन्स क्या, कि घुंघरालू, थोड़ी सी मुड़े हुए और फाइन, बहुत सुंदर टेल था दोनों का. एंड ईच, देखो, दोनों आपस में बोलते थे, तुम्हारा टेल बहुत सुंदर टेल है. दोनों आपस में बोलता थे, एक दूसरे से बोलते थे, तुम्हारे इस दुनिया में सबसे सुंदर टेल है, मेरा अलावा. वो खुद को अपना टेल बहुत सुंदर मानते, दूसरों को बोलते हैं, मेरा अलावा देखेगा तो इस दुनिया में सबसे सुंदर टेल तुम्हारा है. ओके, देखो, नेक्स्ट पेज. ही स्मेल्ट द चीज एंड शी स्मेल्ट द चीज, एंड दे बोथ एग्रीड इट वाज गुड, एंड बोथ रिमार्क इट वुड ग्रेटली ऐड टू द चार्म्स ऑफ देयर डेली फूड. So he ventured out and she ventured out, and I saw them go with pain. But what happened to them, I never can tell, for they never came back again. Okay, इधर जहाँ वो रहते थे, उसका dwelling place था एक hole, वो है उधर, वो उसको cheese का smell आते थे. Okay, butter, cheese, इसका सबका smell आते थे, क्योंकि कोई घर का दीवार का होल में रहता होगा वो, लेकिन उसमें उसमें से उस घर के अंदर से चीज का स्मेल आते थे. दोनों आपस में बोलते थे, बहुत अच्छा स्मेल है ना. दे बोथ एग्रीड इट वॉज सो गुड, है ना. उसको ये लगता था, हमारा डेली खाने में ये मिल जाएगा तो, ये चीज मिल जाए तो बहुत अच्छा है. चा मीन्स इधर आकर्षक, बहुत उसमें वो चीज के स्मेल से वो लोग प्रभावित हो गया ऐसे. ये सो ही वेंचर्ड आउट एंड शी वेंचर्ड आउट, एंड आई सो देम गो विथ पेन. देखो, ऐसे इन्होंने ये चीज खाने के लिए दोनों बाहर निकला. वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट ऑन ए डेंजरस जर्नी, ये खतरनाक जर्नी है. एक खतरनाक जर्नी के लिए क्या लेने जा रहे हैं, चीज लेने. ओके, मैंने देखा उन्हें दर्द के साथ जाता हुआ, मैंने देखा बहुत दर्द के साथ, डर डर के जाता हुआ मैंने देखा. But what happened to them, I never can tell. मैं नहीं बता सकती. I stands for poet. Okay, here I stands for poet. इस poem लिखने वालों को, poem लिखने वाला बोल रहे हैं, मैं कभी बता नहीं सकते हैं. They never came back. वो वापस अपने घर पे नहीं आया. उसका dwelling place में, यानी उसको रहने का जो जगह hole था, उसके अंदर वापस नहीं आया. What happened to them? हो सकता है वो मालिक ने उसको, जो लोग उसको देखा, उसको मार डाल दिया होगा, नहीं है तो उसको कहीं और भगा दिया होगा. ओके, वो वापस
कभी नहीं आया। ये पोएट को भी ये नहीं मालूम उसको क्या हो गया, वो वापस नहीं आया। देखो इस पोएम एनोनिमस ने लिखा। एनोनिमस मतलब क्या होता है ना, एन अननोन पर्सन, जो नाम नहीं बता रखे उसको बोलता है अननोन। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सबका नाम हमें नहीं मालूम। ऐसे जो नाम हमें नहीं मालूम है तो वो अननोन पर्सन होगा, एनोनिमस पर्सन, है ना, अननोन पर्सन, इसका नाम नहीं मेंशन है इधर। ओके, ये है अपना पोएम। ओके बाय।